और व्यूअर्स, क्या हाल है सभी के? इट्स डीसी हियर, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। और आज हम चलाने वाले हैं वैप 4 के साथ एक ICF ट्रेन। यार, मैंने वैप 4 के साथ ICF ट्रेन पता नहीं कब चलाई थी, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। मैंने कब चलाई थी तुम्हें याद है? मुझे भी याद नहीं है, तुम्हें भी याद नहीं है, सेम पिंच हो जाता है यहाँ पे। सो गाइस, देखो आज जो हम ट्रेन चलाएंगे वो है 18030, शालीमार से लोकमान्य तिलक टर्मिनस के लिए जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन, जिसको कोयला एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो यार देखो, ये तो हो गया अपना इंट्रो। अब आते हैं गेम की तरफ। जो सीन हो रखा है ना, जो अपनी ट्रेन है गाइस, वो अभी गोंडिया रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है और अपने वैफोर के साथ देख सकते हो इटारसी के वैफोर के साथ खड़ी है। इसका रेगुलर लिंक जो है शायद सांतरागाछी का वैफोर होता है, SER की एक गाड़ी है शायद, जहाँ तक मुझे पता है। अब यार गोंडिया से ना इसका डिपार्चर देखो 10:35 पे होता है और नेक्स्ट स्टेशन की विंडो में तुम सभी को पता होगा जो है हमारा गेम का टाइम चल रहा होता है, जो कि भाई 10:35 हो चुका है। एग्जैक्ट यहाँ पे हो गया जैसी मैंने बात कही। तो चलो, अपनी ट्रेन का अगर यहाँ से जाने का टाइम हो चुका है तो इसको फिर रेडी करते हैं हम। यहाँ आप देख सकते हो 22924 वैफोर हमें दिया गया है इटारसी शेड का। पावर तुम सभी ने अब देख लिया, WCR की पावर है, SER की गाड़ी है। तो भाई पूरा ना मज़ा आने वाला है। यहाँ पर मैं अभी हॉर्न बजा देता हूँ। मतलब देख रहे हो क्या ही दमदार हॉर्न है यार। आगे वाले पैसेंजर्स को तो पता चलेगा ही, वो तो वैसे ही हिल जाएंगे जैसे ही अपना मतलब हॉर्न बज रहा है। पीछे वाले पैसेंजर जो हैं वॉर्न हो जाएंगे कि भाई उनकी ट्रेन ना डिपार्ट करने ही वाली है गोंदिया जंक्शन से। यार ये जंक्शन है या क्या है, बार बार मेरे मुँह से जंक्शन निकल रहा है। हाँ देखो, गोंदिया जंक्शन ही है। और एक चीज़ देखो, साइड में ना हमारे गए 12409 RIG शायद रायगढ़ होता है, तुम लोग ऐसे बेल भी इंजॉय कर सकते हो। रायगढ़ से निज़ामुद्दीन के लिए जाने वाली ना गोंडवाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस को, मतलब जो मेरी ट्रेन है। पहले यार मैं ब्रेक्स को रिलीज़ करता हूँ यहाँ पे। तो भाई वैफोर, चलो पुल करो अपनी ट्रेन को यहाँ से। 25% की थ्रॉटल पावर लगाते हैं और मुझे सिग्नल वाली विंडो दे दो यार। पता चला मुझे सिग्नल का नहीं पता चला, क्योंकि देखो अभी हमारी ट्रेन ना गाइस स्टेशन के अंदर है और यहाँ से तुम्हें पता है हमें स्टार्टर दिया जाएगा। तो जो मेरा स्टार्टर सिग्नल है ना, वही मतलब मेरी लोकेशन से 400 मीटर की दूरी पर है। भाई 400 मीटर पे क्यों, और ज़्यादा पीछे कर देते ना। वैसे भाई क्या डिपार्चर हो रहा है अपना, वैफोर ने जो अपनी ICF गाड़ी को उठाया यहाँ से। अच्छा मैं क्या कह रहा था, ये देखो यार गोंडवाना सुपरफास्ट ट्रेन ना यहाँ पर साइड में खड़ी हुई है और इसको पहले निकलना चाहिए था यहाँ से। एंड साइड में आप देख सकते हो दो डीजल लोकोज हैं जो भाई गोंडिया जंक्शन पर घूम रहे हैं। NR के दोनों ये लोको हैं, एक लुधियाना शेड का और पीछे भी लुधियाना का ही है। तो भाई NR के ये जो दो लोको हैं यहाँ पे, पता नहीं SCR में कहाँ भटक रहे हैं। यहाँ एक मालगाड़ी खड़ी हुई है हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड में भी आप देख सकते हो। आई थिंक ये जो कोयले वाली मालगाड़ी खड़ी है ना हमारे राइट साइड पे, ये पुष्पुल एक्शन पे चल रही है और उसके पीछे जो मालगाड़ी है गाइस वो अपनी यार्ड लाइन पे खड़ी है अनलोड होने के लिए। तो भाई ऐसे ही हॉर्न बजा के निकलते रहते हैं, अपना आज का वैफोर का एक्शन होने वाला है। तो चलो यार, अपने पैसेंजर व्यूज गाइस मैंने सेट कर लिए हैं। ट्रैक साउंड बहुत ही प्यारी होने वाली है आज की हमारी। ट्रैक साउंड का क्रेडिट आई थिंक अपने प्रतीक भाई को ही जाएगा। और वैफोर थोड़ा भाई हॉर्न बजा के चलता रहे। तो गाइस चलो यार, अब मैं फोकस करता हूँ अपने गेम पे। ये हमारा देखो स्टार्टर था जो कि ग्रीन हो रखा है आगे। और ये कौन से लोको खड़े हैं, अच्छा वैगनाइन है दो। और NKJ तुम्हें भी पता है न्यू कटनी जंक्शन के हैं ये, जो NKJ शेड है। अरे यार ये OHE पोल मेरी ट्रेन में अड़ रहा है। और गाइस रूट की मैं बात करूँ, हाँ यार रूट के बारे में कैसे भूल गया। अच्छा पहले तो इधर आते हैं। ये देखो यार 12771 सिकंदराबाद से रायपुर के लिए जो चलती है सुपरफास्ट एक्सप्रेस, वो हमें गोंडिया जंक्शन पे गाइस क्रॉस कर रही है। ये जाके अराइव करेगी लालागुड़ा का वैप 7 इसे दिया गया है। मैं रोड नंबर ठीक से नहीं देख पाया। वैसे क्या यहाँ पे भाई जिंग हुआ है इन दोनों का, और जिंग मतलब क्रॉसिंग। मैंने यार IRI जो एक वेबसाइट है इंडियन रेल इन्फो, उस पर जिंग लिखा रहता है कि इस ट्रेन से इस ट्रेन का जिंग होता है। तो मैं पहले सोचता था जिंग क्या होता है यार, तब मैंने बाद में सोचा कि वो जो एक्स बना होता है वो क्रॉस ही हुआ ना, तो क्रॉसिंग। मतलब दिमाग तो भाई ऐसे चलाया ना कुछ लोगों ने। अच्छा देखो इस पर दुरंतों का UG लगा पड़ा है। और गोंडिया के तो यार रेलवे स्टेशन के अंदर से मुझे 130 की लिमिट दे रखी है इन लोगों ने। तुम रेलवे स्टेशन के अंदर पे ही, और वो भी जंक्शन में 130 करवा दो मेरे से। ऊपर से ICF ट्रेन है जो कि 110 के ऊपर नहीं जाएगी। सो गाइस आउटर में यहाँ पे एक वैगनाइन भी खड़ा है अपने एक सिंगल कैबूस के साथ, शायद इनका कुछ चल रहा होगा। ये जो ऐसे अलग यहाँ पे खड़े हुए हैं,
वैसे उस पर यार वो भी खड़े हैं जो गार्ड साहब होते ना, वो हमें झंडा दिखा रहे हैं कि भाई ये जो आज कोयला एक्सप्रेस तुम लेके जा रहे हो गोंडिया से, कहाँ जाएंगे हम? गोंडिया से गए सब, मैं कहाँ तक जाऊँगा ये तो मुझे नहीं पता। एक घंटे के गेम प्ले में हम जितना भी कवर कर सकते हैं उतना मैं करूँगा। तो यहाँ पर यार थोड़ी सी थ्रॉटल पावर इंक्रीज़ करता हूँ। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, ये जो पीछे वाला सिग्नल है ना, ये हमारा एडवांस स्टार्टर होता है। अब यार मैं देखो इसको क्रॉस कर चुका हूँ बट ये अभी भी ग्रीन है। इसमें ना पता नहीं क्या फॉल्ट है, ये ग्रीन ही रहता है। मैंने जब पहली बार जब मैं टेस्ट कर रहा था ना इस एक्टिविटी का, मैंने सोचा यार जो रूट क्रिएटर हैं, पहले तो इस रूट के क्रिएटर आयुष मस्की था शायद, और अभी जो है अपने रमेश महाजन जी हो चुके हैं, उन्होंने टेक ओवर कर दिया इस रूट पर। तो मैंने कहा यार ये बड़ी रियलिस्टिक चीज़ कर दी कि सिग्नल आप क्रॉस कर देते हो और थोड़ा सा मतलब ट्रेन निकल जाएगी तब शायद वो जाके रेड होगा। बट नहीं यार, ऐसा नहीं है, वो सिग्नल में कुछ ख़राबी है। अच्छा देखो, अपनी पूरी ट्रेन जहाँ तक के मेन लाइन पर आ चुकी है, तो चलो भाई ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, अपने चलते हैं हम पैसेंजर व्यू पर और अपनी पावर को अब लगा देंगे 75%। बैक फोर है, ऐसा वैसा लोगों नहीं, अच्छा खासा पुल कर सकता है। और यार अपना जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है तिरोड़ा रेलवे स्टेशन, जो कि हमें यहाँ से 26 किलोमीटर पड़ेगा। टाइम क्या दिया है यार, 10:55 का टाइम दिया है और अभी क्या हो रहा है 10:41। 26 किलोमीटर, अरे यार मुझे लगा 16 किलोमीटर का रन है और 16 मिनट अपने पास है शायद। तो सही है, हम कवर अप कर लेंगे, बट यहाँ 10 किलोमीटर हमारे पास एक्स्ट्रा हैं। तो भाई हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये तो मुझे नहीं पता, बट 110 की स्पीड मेंटेन करके चलेंगे जहाँ तक हो सकती है। एक तो यार जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस रूट में भी ना ग्रेडियंट बहुत अच्छे खासे मिल जाते हैं, वो भी प्लेन सेक्शन में। सो गाइस सीन भी देख सकते हो, जो ये हमारा नागपुर से बिलासपुर का रूट है, इस पर भी मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाला हूँ। नागपुर से भी मैं कवर करूँगा और बिलासपुर से भी करूँगा। नागपुर मैंने बहुत वीडियो में दिखाया हुआ है, तमिलनाडु जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई थी, लोगों को भाई उसका पार्ट टू चाहिए था, और यार मैंने अभी तक ना पार्ट टू बनाया नहीं है, सून उसको भी बनाऊंगा। देखते हैं तमिलनाडु को कब चलाएंगे हम। तो चलो यहाँ पे 100% की थ्रॉटल पावर लगाते हैं और वैफोर का ये वाला हॉर्न बजा के चलेंगे पूरा अच्छा खासा, कि भाई पता चल जाए वैफोर के साथ कोई गाड़ी आ रही है। बट देखो बात में अभी भी यही कहूँगा, वैफोर के साथ LHB मतलब P7 से तो बेटर ही है, क्योंकि भाई वैफोर और LHB का 130 का कॉम्बो ना कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता है। क्या बात है यार, ट्रैक साउंड सुन रहे हो? आज का गेम प्ले भी मुझे लग रहा है सक्सेस ही होने वाला है। दक्कन क्वीन में यार हमने हाई स्पीड ज़्यादा नहीं कर पाया था, मैं ज़्यादातर मुझे पहाड़ों पे चलाने के लिए मिली थी, तो पहाड़ पे तो तुमने भी देखा होगा मैंने ऑटो पायलट पे छोड़ दी थी। बस भाई मैंने जब सिग्नल अपना रेड था तब वहाँ मैंने ही रोकी थी। तो चलो अब थ्रॉटल पावर को डाउन करते हैं, 100 के ऊपर अपनी ICF ट्रेन जा चुकी है। तो भाई अब यहाँ पे हमें स्पीड जो है मेंटेन करके चलना पड़ेगा, 41% की थ्रॉटल पावर रखेंगे और प्रोजेक्टेड स्पीड पे मैं ध्यान देता रहूँगा। ग्रेडियंट यार क्या है ना, कभी कभी तो ढलान आ जाती है, नीचे जाएगी ट्रेन, और कभी कभी चढ़ाई आती है, तो चढ़ने पर तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी जो ट्रेन है उसकी स्पीड डाउन ही होगी, बट भाई जब ढलान होती है ना तो स्पीड बढ़ जाती है, और 110 के ऊपर गाड़ी जाएगी फिर लोग कहेंगे यार तुम ना कुछ कांड करवाओगे, उसकी MPS से तुम लिमिट को उसको पुश कर रहे हो। तो चलो 50% की थ्रॉटल पावर रख देते हैं यहाँ पे और अपने कैब व्यू में चलते हैं। यार अपने BRW प्रोडक्शन का WAF4 मैं पहली बार चला रहा हूँ और नो डाउट यार बहुत सही लगा ये लोकोमोटिव मेरे को, मतलब अभी तक जितने भी उनके मॉडल्स आए ना, वन ऑफ द फाइनेस्ट लोकोमोटिव जो उन्होंने बनाया है, लोकोमोटिव नहीं मॉडल, वो WAF4 लगा मुझे। तुम सब भी चाहो तो यार अपने कमेंट दे सकते हो WAF4 के लिए, क्या तुम्हें BRW का WAF4 बहुत ही सही लगा? मेरे को तो लगा यार पर्सनली, क्योंकि आप देख सकते हो कैब व्यू यार क्या बनाया है भाई ने, और यहाँ पर डोर्स मैंने ओपन कर रखे हैं, क्योंकि भाई आई थिंक यार ये कौन सा वो हुआ स्टेट, कौन सा हुआ, गोंडिया छत्तीसगढ़ में आता है ना शायद, पता नहीं यार, मेरी GK थोड़ी सी यहाँ पर वीक हो रखी है, तुम स्ट्रॉन्ग कर सकते हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थ्रॉटल पावर को थोड़ा सा और यहाँ पर इंक्रीज़ करते हैं, 63 के लगाते हैं, और यहाँ पे यार ट्रैक्स पर झाड़ियाँ बहुत सारी हो रखी हैं, देखो हमारी ट्रेन से टकरा कर हमने ही उन्हें गायब कर दिया, रियल में होता तो यार हो ही जाती आराम से,
गेम में तो भाई अपने रमेश महाजन जी को इनको काटना पड़ेगा। सो गाइस आगे से क्रॉसिंग हो रही है 17321 वास्को डा गामा से जसीडी के लिए जाने वाली वीकली एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि भाई किसी वैपोर के साथ है और पूरे कोचेज हो रखे हैं इसके उत्कृष्ट लिवरी में। यूनिफॉर्म रेक है यार पूरी, देख रहे हो वैपोर क्या लेके जा रहा है। 105 की तो रफ्तार थी यार शायद उसकी, और इससे आगे कौन सी ट्रेन चल रही थी, सिकंदराबाद रायपुर शायद। तो भाई बातों बातों में हमारा जो तिरोड़ा रेलवे स्टेशन है यहाँ से हमें पड़ेगा 19.5 किलोमीटर। और सीनरी आप सभी देख सकते हो बहुत ही शानदार हो रखी है यहाँ पे। तुम सभी को याद होगा मैंने रिसेंटली एक गरीब रथ भी चलाई थी, रिसेंटली नहीं थोड़ा महीना हो चुका है। वो कौन सी गरीब रथ थी, आई थिंक जबलपुर गरीब रथ थी, हमने उसको चलाया था इटारसी से हरदा तक। और क्या रन मिला था यार उसमें अपने को, ट्रैफिक हो गजब लेवल का था। आज की वीडियो में भी ट्रैफिक बहुत अच्छा रहने वाला है, ये एक्टिविटी मेरी बनाई हुई है। पहले मैं सोच रहा था यार मैं गोंडवाना चलाऊँ, जो कि अपने प्रतीक भाई ने एक्टिविटी बनाई है, मैंने उसका टेस्ट रन लिया ना तो यार उसमें मेरे को ट्रैफिक काफ़ी कम लगा। एंड यहाँ पर यार आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो थोड़ा सा पीछे अगर अपनी नज़र करोगे ना तो हमें पहाड़ भी देखने के लिए मिल जाते हैं, और ये पहाड़ कौन से हैं ये मुझे नहीं पता यार। छत्तीसगढ़ में कौन से पहाड़ आ गए, मतलब यार आज के रन की भी कुछ ना बात कहनी पड़ेगी अपने को। देखो क्या है, स्पीड मेंटेन हो रही है अपनी, 110 वाली गाड़ी ऑलमोस्ट अपना 105 तो मेंटेन कर रही है। बस रियल में लोको पायलट्स के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्रूज मोड ऑन कर दिया और भाई चलने दो अपनी गाड़ी को। हाई स्पीड एक्शन में है तो उन्हें पता है कि भाई पूरे हरे होने हैं सिग्नल, तो क्रूसिंग पे छोड़ दिया और वो जाती रहेगी आराम से। आई थिंक यहाँ पे मेरे को थोड़ी थ्रॉटल पावर डाउन करनी पड़ेगी यार। और जहाँ तक गाइस मुझे लग रहा है कोई रेलवे स्टेशन भी पास में आ रहा है, थोड़ा लोको के पास चल के देखते हैं। सो गाइस ये जो रेलवे स्टेशन हम क्रॉस करने वाले हैं यार, ये कोई रेलवे स्टेशन है गंगा झरी, जिसकी लूप लाइन पर कोई मालगाड़ी खड़ी है जिसको दिए गए हैं 2 WAG 7। तो इनको बाय बाय करते हैं, फ्लैट 106 की रफ्तार। हाँ यार मुझे लग रहा है 106 पे तो पूरा ही मैं इसको क्रॉस करने वाला हूँ। देख रहे हो नॉन स्टॉप WAG 4 की हॉकिंग है और ट्रेन अपनी क्या ही भाई फाड़ के जा रही है। अच्छा इस मालगाड़ी में कोयला भरा पड़ा है। HCCR में आप ये बहुत नोटिस करोगे, जो मालगाड़ी है ना उसमें आपको जो मेजॉरिटी दिखेगी वो बॉक्सिंग की बहुत ज़्यादा दिखेगी, तो कोयला भाई इतना ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है ना उधर, तो अगर उधर जाओगे तो अपने कपड़े वगैरह मतलब अपने आप को कवर करके जाना। पता चला तुमको टैनिंग हुई या नहीं हुई, बट तुम ना किसी और चीज़ की टैनिंग करवा लोगे। अच्छा यहाँ पे बहुत ही गंदा ग्रेडिएंट है, तो भाई पावर को तुम पूरा डाउन कर दो और देखते हैं अपनी प्रोजेक्टेड स्पीड क्या करती है। चलो सही है, ज़्यादा नहीं डाउन हो रही है। 110 की अगर नीचे जाती है प्रोजेक्टेड तो मैं सेफ साइड हूँ, 110 के ऊपर जाएगी तो थोड़ा सा डर लगेगा यार। 10:55 का इन्होंने शेड्यूल दिया है तिरोड़ा का, और 10:48 यहाँ पर हो चुका है, मेरे पास 6 मिनट बाकी हैं। अच्छा आगे से आई थिंक ट्रेन आ रही है, चलो फुल टू हॉकिंग करते हैं। अच्छा ये आगे से ट्रेन आ रही है, देखो मालगाड़ी ओवरटेक होगी जो गंगा जहरी पर रुकी हुई है। 07256 सिकंदराबाद से पटना के लिए स्पेशल फेयर, ICF ट्रेन यार, और इसको क्या था WAG 4 था क्या, शायद WAG 4 था, क्या बात है यार, फुल एक्शन पैक गेम प्ले है। तो वापस लगाते हैं 50% की थ्रॉटल पावर और इधर आते हैं, तो भाई तुम अपना कर्व को एंजॉय कर सकते हो। गाइस नो डाउट यार इस रूट में भी सीनरी वर्क ना काफी प्यारा लगाया हुआ है। बड़ा एक चीज नोटिस करोगे, पहले ये रूट आयुष मस्की के अंडर में था यार, इसके जो ओनर थे वो आयुष मस्की थे ना, मैं श्योर नहीं हूँ यार, अब बताना यार कमेंट सेक्शन में तुम बता सकते हो मेरे को, मैं यहाँ पे अपना अंदाज़ा लगाता हूँ। पहले वो थे और अभी जैसे रमेश महाजन जी हो चुके हैं ना, तो उन्होंने जो है अपने खानदेश का मेवाड़ का उस सब का जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इसके साथ मिक्स मैच कर दिए हैं,
तो आप जो उसका एक फील लेते थे ना कि मेवाड़ की एक अलग वो है और खानदेश का एक अलग ही सीनरी वर्क चल रहा है, अब वो आप इसमें भी देख सकते हो। ऐसे यार ऑब्जेक्ट्स मतलब मिल जाते हैं ना तो थोड़ा सा वाइब जो है हद से ज़्यादा मैच हो जाती हैं। अब अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं वेस्टर्न रेलवे में ट्रैवल कर रहा हूँ। बट इसमें आयुष मस्की का भी थोड़ा बहुत मतलब मिक्स हो रखी है ना सीनरी, तो ये भी नहीं कि पूरा ही वेस्टर्न रेलवे लग रहा है। ओ भाई टाइम पर तुमने ना ट्रैक मॉनिटर पर ध्यान दे दिया, मेरी ट्रेन यार 109 कर रही थी, 110 हिट करने वाली थी। इधर आते हैं तो यार नो डाउट इसका सीनरी वर्क काफ़ी सही है, ये देखो आप ट्रैक साइड सीनरी मतलब अपने साथ चलती जा रही है। कुछ जो है व्यूअर्स ऐसे कंप्लेन करते थे ना कि यार सीनरी कम है, ट्रैक साइड सीनरी हमें मिल नहीं रही है, जो मेरे को कमी लगती थी ECUR में ईस्ट कोस्ट रेलवे रूट में, वो अपनी महाजन जी ने यार इसमें कमी पूरी कर दी है। देखो ट्रैक साइड सीनरी मतलब अपने साथ चलती ही जा रही है। और यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा ब्रेकिंग हो चुकी है तो लोको पैलेट साहब 100 के नीचे तो यार अपनी गाड़ी को आने मत दो, तिरोड़ा तक तो हम 110 अपनी मेंटेन करके ही चलेंगे। बस ये सोचो LHB ट्रेन होती तो 130 का एक्शन है भाई, फ्लैट 125 तो मैं लेकर जा रहा होता ट्रेन को, बट कोई नहीं 130 वाली गाड़ी भी चलाएंगे हम सून। अभी तो यहाँ पे थोड़ी सी पावर डाउन करते हैं और आगे क्रॉसिंग हो रही है अपनी। ये भाई कोई मालगाड़ी है, डबल डीजल एल्को इसमें लगे पड़े हैं। देख रहे हो यार मालगाड़ी को क्या ही क्रॉस किया है। एंड ये आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में आई थिंक कुछ खेत वगैरह दर्शाए गए हैं। आगे ये कौन सा रेलवे स्टेशन आ रहा है? सो गाइस आगे कोई रेलवे स्टेशन आ जाता है, काचेवनी नाम है जिसका शायद। मेरा आगे वाला कोच क्या ही डांस कर रहा है यार। रिसेंटली पता है मैंने एक फ्रेट ट्रेन को कैप्चर किया था, उसका एक वैगन मतलब ऐसे हिल रहा था ना जैसे पता नहीं उसको किसी ने पैसे दे दिए हो कि भाई तुम हमें झूला झुलाओ, और वो इतना गंदा हिला था यार, मेरे को इतना डर लगा ना कि भाई ये कहीं इसकी MPS अगर इसने हिट कर दिया ना मालगाड़ी ने तो वो कहीं फिर लुढ़का हुआ ही मिलेगा। अच्छा यहाँ पे इटवारी से रायपुर के लिए जो पैसेंजर ट्रेन चलती है ना गाइस उसको यहाँ पे रुकवा रखा है। ओ भाई इसको मालगाड़ी से ओवरटेक करा दिया। अच्छा इधर देखो हम भी किसी मालगाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं, काचेवनी की ये लूप लाइन में खड़ी हुई है जिसको लोको मिल रखा है WDG 4D। तो चलो भाई हमने किसी मालगाड़ी को ओवरटेक कर दिया। वैसे उधर देखो यार पैसेंजर ट्रेन को वो मालगाड़ी ओवरटेक करके चली गई। SECR में भाई मालगाड़ी ना किसी मेल एक्सप्रेस को, सुपर फास्ट को, पैसेंजर को ओवरटेक करना बहुत नॉर्मल है। SECR भाई इन सब हरकतों में बहुत आगे रहता है, यूं ही थोड़ी ना भाई मालगाड़ी में वो टॉप कर रहा है पूरे भारतीय रेलवे में। अच्छा यहाँ का ग्रेडियंट देखो यार 0.8%। भाई भोरघाट का हल्का सा हिस्सा मुझे लग रहा है महाजन जी ने ना इस रूट में लगा दिया है। मेरे को पूरी अपनी ट्रेन को संभालना पड़ गया यहाँ पे। ये देखो कैसे स्पीड बढ़ रही है यार मेरी, थ्रॉटल पावर को पूरा डाउन ही कर देता हूँ। चलो 50 लगा देते हैं और इधर आके देखते हैं क्या हो रखा है। सीनरी तो बहुत सही चल रही है यार, और आई थिंक इस रूट में आपको थोड़े बहुत जो विलेजेस हमें बीच बीच में दिखते हैं ना जिनके जो है रेलवेज अपना रेलवे स्टेशन नहीं देती उनको, वो विलेजेस भी आप इस रूट में देख सकते हो। मैंने काफ़ी जगह नोटिस किए जो रमेश महाजन जी हैं उन्होंने कुछ कुछ विलेजेस दिखाए हैं और उनके रेलवे स्टेशन नहीं है, जबकि यार यहाँ पे सीनरी हवा में उड़ रही थी। ये तो ओपन रेल्स का कुछ ना कुछ फॉल्ट रहता है, ग्लिचेस रहते हैं, इनको तो भाई इग्नोर करते हैं। 1.5 ना यार ये देखो ओपन रेल्स का मतलब जैसे अपग्रेड हुआ है ना, मुझे लगता है ये डाउनग्रेड कर देते हैं इनको इन टर्म्स ऑफ मतलब फीचर्स। आप एक चीज़ नोटिस करोगे जो आपके सिग्नल है उसकी जो लाइट होती है वो भाई जल बुझती रहती है, जैसे पता नहीं उसमें क्या हो गया, उसका फ्यूज़ वगैरह ख़राब हो गया। यहाँ पे ये थर्ड लाइन कैसी चल रही है यार, क्योंकि इस पीछे आप मेन लाइन का सिग्नल देख पा रहे होगे, ये हो रखा है येलो, आई थिंक कोई ट्रेन अप्रोच कर रही होगी। अब यार अपनी एक्टिविटी है तो ट्रैफिक मुझे भी नहीं पता कि कब कौन सा आता है। अच्छा वो सब ठीक है, मेरा स्टेशन काफ़ी नज़दीक पे आ रहा है।
और भाई एंट्री में बहुत ही अलग लेवल वाली करने वाला हूँ। ये देखो यहाँ पे हमारा डबल येलो सिग्नल है, जिसको डबल एक्सपेक्ट भी हम बोल सकते हैं रेलवे की लैंग्वेज में। तिरोड़ा रेलवे स्टेशन हमको यहाँ से पड़ने वाला है 1.7 किलोमीटर, जो कि 6 हो चुका है, अब 5 हो चुका है। यार तू मेरे साथ ऐसा खेल मत कर। सो गाइस यहाँ पर मैं कर चुका हूँ क्रॉस अपनी होम सिग्नल को। तो भाई एलपी साहब अब ना तुम ब्रेक लगा लो। मुझे पता है कि इज्जत नगर मंडल के लोको पायलट ना ट्रेन को रॉकेट बना के चलाते हैं, और इसका लाइव एग्जांपल मैं जस्ट अभी देख कर आ रहा हूँ। मतलब तुम सोचो यार, होम सिग्नल पे ना लोको पायलट किस स्पीड पर ट्रेन को अप्रोच करवा रहा होगा, और मैं रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ भाई। 50-60 के अराउंड स्पीड थी सोचो, या शायद उससे भी ज़्यादा। तो भाई मैं कह रहा हूँ, अगर असली ज़िंदगी में ऐसे लोको पायलट्स होते तो फिर गेम में तो मैं और भी ख़तरनाक तरीके से चलाऊँगा। देखो भाई रेलवे स्टेशन पर एंट्री मार दिया, और क्या ही एंट्री मारी है। मतलब ब्रेक्स मिले हैं ना, तो उनका पूरा उपयोग किया जाएगा। ये भाई डबल WDG4 BCN फ्रेट ट्रेन के साथ। क्या बात है यार, इधर से मालगाड़ी पूरा मतलब अपना ताबड़तोड़ स्पीड में जा रही है, और इधर तो भाई हमने क्या ही एंट्री मारी है। ये जब मेंटेनेंस के लिए जाते हैं ना कोचेस, और उसमें जब इतना ज़्यादा काम पड़ जाता है उन लोगों का जो भी मतलब इनकी मेंटेनेंस वगैरह करते होंगे, वो भाई जो गाली देते हैं ना, वो हम जैसे LPs को ही देते होंगे कि इतना बुरा चलाते हो, पूरे ब्रेक्स वगैरह को तुम घिस देते हो। अच्छा पीछे थोड़ा देखते हैं यार क्या सीन हो रखा है। यार मेरा SLR कोच अभी लगा नहीं है प्लेटफॉर्म पर, तो मैं SLR कोच को जो है प्लेटफॉर्म में लगाता हूँ पहले। तो अच्छा हुआ यार मेरे ओपन एज ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी ट्रेन रुक चुकी है, तो हम ना उसको डेटाबेस में ऐड कर देंगे कि तिरोड़ा पर तुम इतने टाइम पर अराइव कर चुके हो। तो चलो भाई अपनी कुर्ला एक्सप्रेस ने यहाँ पर ले लिया स्टॉप। 57 का डिपार्चर था, बट 57 पर अराइव हुई अपनी ट्रेन, और यार बस रुकी और स्टार्टर दे दिया स्टेशन मास्टर ने कि तुम आए हो और भाग जाओ यहाँ से। अच्छा एक चीज़ देखो यार, ये जो स्टेशन पर बोर्ड्स लगाए गए हैं ना इस रूट में, यार मेरे को ये चीज़ काफ़ी अजीब लगी। आप ये बहुत नोटिस करोगे, जो ऊपर का हिंदी में लिखा है ना, या इंग्लिश में भी अगर लिखा हो, तो वो बाहर जा रहा होता है उस लाइन से। आप इसको हिंदी वाला देखो, ठीक से पढ़ ही नहीं सकते हो। अगर हम इसके आ की मात्रा को ता के आगे लगाएंगे, ऐसा लग रहा है तराडा लिखा हो। तो भाई गुरु आप इसको थोड़ा सा फिक्स कर सकते हो यार, इसको प्लीज़ थोड़ा सा फिक्स करना। हम अपनी ट्रेन को यहाँ से लेकर चलते हैं, कुर्ला एक्सप्रेस को डिपार्ट करवाते हैं। वेफोर तुम अपने ब्रेक्स को भाई यहाँ पर रिलीज़ करो, और थ्रॉटल पावर को लगा सकते हो। मेन लाइन का डिपार्चर है, हॉर्न बजाएंगे। किसी को मत बताना कि मैंने हॉर्न बिना बजाए ना पहले पावर लगा दी थी। वैसे अगर छोटा मोटा स्टेशन है, कौन ही उतरा होगा और कौन ही चढ़ा होगा। लंबे रूट की गाड़ियों में यही बात रहती है, जो ये छोटे मोटे स्टॉप इनको मिल जाते हैं ना, इसमें ज़्यादा लोग चढ़ते उतरते नहीं हैं। तो भाई थोड़ा पीछे से देखते हैं यार, ये लूप लाइन का स्टार्टर देख रहे हो, यहाँ पे येल्लो हो रखा है। एक चीज़ इस रूट में मेरे को ये भी थोड़ी कमी लगी, आप देखोगे जो लूप लाइन के स्टार्टर्स हैं वो बहुत जगह पर येल्लो हो रखे होते हैं, और जैसे कि लाइव एग्जाम्पल तुम अभी सामने देख ही सकते हो। अच्छा तिरोड़ा की यार अपनी वाली जो लूप लाइन है ना, जिस मेन लाइन से हम जा रहे हैं, ये देखो यहाँ पर ये पार्सल ट्रेन भी खड़ी है, और आगे से आ जाती है 12105 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से गोंडिया के लिए जाने वाली विदर्भा एक्सप्रेस। यार थोड़ी सी पहले आ जाती, हम दोनों साथ में अराइव कर लेते। हम अच्छा सा यहाँ से डिपार्चर देते हैं, हम अपनी ट्रेन को 50% की थ्रॉटल पावर लगाते हैं। आई थिंक गाइस विदर्भा का यहाँ पे शेड्यूल हॉल्ट रहता है तिरोड़ा पर, जैसे गोंडिया पे जाके टर्मिनेट हो जाएगी यार गाड़ी। इसका कितने ही रन बाकी है, ब्रेक्स देखते हैं पूरे रिलीज हो रखे हैं। अपनी वरुण गणेश भाई का यार जल्दी से ना अपडेट आ जाए, तो उनके AC कोचेस का भी इंटीरियर ट्राई आउट करना यार। वैसे आई थिंक उनकी किसी भी कोच में अभी इंटीरियर नहीं आया है, मतलब गाइस चेयर कार के अलावा, और मुझे पता है SLR में भी आ चुका है। क्या बात है यार, विदर्भा का अराइवल देख रहे हो, और देखो इसकी जो ट्रैक है वो लूप लाइन पर ही स्विच हो रखी थी अभी। अगर ओपन रेल्स को इसको ओवरटेक देना होता ना, तो उसकी वो जो लूप लाइन है वो स्विच हो जाती मेन लाइन पर।
तो चलो विदर्भा का कोई भी ओवरटेक नहीं है, कह रहे हैं यार गोंडिया तक तो जाना है, अब इसके बाद शायद इसका गोंडिया पर ही स्टॉप है, तो क्या ही इसको ओवरटेक देंगे भाई। वैपर हॉर्न बजाओ, 130 की स्पीड तो खैर टच मत करना, 110 करते हैं वापस से। अगला स्टॉप हमें मिला है तुमसर रोड जंक्शन, तुम्हारे पास हम आ रहे हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पे रुकना, 17 किलोमीटर तुम हमसे दूर हो, इस दूरी को चलो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इटारसी वैफो 2294, कोई कंजूसी नहीं चाहिए, थ्रॉटल पावर शायद मैंने 100 लगा रखी है, तो चलो भाई खींचोगे तो तुम हो ही। आगे मुझे ग्रेडियंट दिख रहा है बहुत ही गंदा वाला, ये आप देख सकते हो, जो हमारी ट्रैक है ना वो थोड़ा सा बेंड हो रखी है, तभी मैं समझ गया था भाई ग्रेडियंट आ चुका है। ये देखो 0.6% का ग्रेडियंट, क्या बात है यार, वैप फोर के साथ आईसीआर ट्रेन आ जा रहा है, अलग ही लेवल का मजा। इसके बाद भी यार मैं सोच रहा हूँ मैं ना कोई आईसीआर ट्रेन ही चलाऊं और तुमको ना थोड़ा सा भाई नॉस्टैल्जिया वाला एक्सपीरियंस करवा दूं। आपको पता है बॉम्बे राजधानी जब शुरुआत में स्टार्ट हुई थी तो उसको पावर क्या दिया जाता है, रतलाम शर्ट के आई थिंक WDM2 मिलते थे, वो भी 2, और पुराने टाइम में बॉम्बे राजधानी चली है तो आईसीआर ट्रेन ही थी, तो यार मैं सोच रहा हूँ उस टाइम की राजधानी चलाई जाए क्या, तो अगली वीडियो में उस पर करूँ या किसी और रूट पर करूँ, क्योंकि आपको पता है ECUR वो जो अपडेट आया था उस पर भी यार मैंने वीडियोज़ बनानी है अभी, आई थिंक भुवनेश्वर वाला आया था ना यार, मुझे ध्यान में नहीं है, पहले तो मैं थोड़ा सा ब्रेक्स लगा देता हूँ। ओ भाई बहुत ही सही टाइम पे तुमने ब्रेक्स को अप्लाई किया है। वैसे एक चीज़ काफ़ी मुझे सही लग रही है आज की वीडियो की अपनी, कहीं पर भी ना ओवर स्पीडिंग ज़रा सी भी नहीं करी है मैंने। आप देखो जैसे ही 110 हिट होने वाली है वहीं पर स्पीड में डाउन कर देता हूँ टाइम पे, धमाकेदार हॉन्किंग के साथ। यार ये हॉर्न ना मुझे कुछ अलग ही लगता है, ये जो बज रहा है हाई स्पीड पर, ये हॉर्न और ICF गाड़ी, लाजवाब एक्सपीरियंस है यार। अच्छा ये देखो जितनी भी अभी सीनरी चल रही है ये आई थिंक आपको वेस्टर्न रेलवे में भी देखने के लिए मिल जाएगी। मैं यही कह रहा था यार, ये थोड़ा सा ना इनको अगर आप कलर इनका चेंज कर देते हो तो इसमें बहुत ही डिफरेंस आ सकता है। इस तरह यार आपको ना खानदेश रूट और ये रूट दोनों ही बहुत ज़्यादा सेम लगेंगे अगर इनकी सीनरी में थोड़ा बहुत बदलाव नहीं किया गया। अब यार कहाँ ऑब्जेक्ट्स बदलने बैठोगे, इससे अच्छा तो ना मैं कहता हूँ इनको कलर ग्रेडिंग कर दो, इसमें हल्का सा आप कलर में चेंजेस करो और भाई पूरा बढ़िया वाला एक्सपीरियंस हो जाएगा। और वैसे भी ये जितने भी आप देख रहे हो रेलवे के साइड में जितनी सीनरी होती है ना, ज़्यादातर आप देखोगे कि वो सूख चुके होते हैं ये पेड़ पत्ते, जब भाई बारिश का मौसम आता है तब तो उन्हें पानी मिल जाता है, बाकी टाइम कौन ही है। बाकी भाई किसी को नेचर कॉल आई है वो ट्रेन से ही बाहर निकल के कर रहा है तो वो अलग बात है। ये अपना भाई ग्रीन सिग्नल जो कि जल बुझ रहा था, ये जुगनू कहाँ से बन जाते हैं यार, ओपन रेंज ना जुगनू बनाने पे बहुत ही आगे रहता है। अच्छा आगे से कोई गाड़ी आ रही है, कर्व से आ रही है यार, क्या शानदार लग रही है। तुम मेरी वीडियो इसको बड़ी स्क्रीन पर देखना, 12850 पुणे से बिलासपुर जाने वाली सुपरफास्ट गोयल TMT लिवरी वैप 7 के साथ, यहाँ तो जलवा हो गया दोनों गाड़ियों का। कुरला अपनी 106 की रफ्तार मेंटेन करते हुए और आई थिंक ये 130 जा रही थी, डेफिनेटली ये 130 थी, इस रूट की मुझे यही बात काफ़ी प्यारी लगी। आप देखोगे जो हमारा खानदेश रूट का वेस्टर्न रेलवे का गाइस सेक्शन है ना, उसमें भी मुझे मैक्सिमम स्पीड 120 मिलती है और मुझे उसे एक्सीड करना पड़ता है अपने 130 के एक्सपीरियंस को मेंटेन करने के लिए। बट इस रूट में देखो स्पीड लिमिट है ना वो 130 ही दी गई है, तो जो AI ट्रेन्स हैं वो भी अपना मैक्स पोटेंशियल पर जा सकते हैं जो कि LHB गाड़ियाँ हैं। और तुम कहाँ पर हो, 10.5 किलोमीटर दूर हो तुम इतना दूर क्यों हो तुम, मजाक कर रहे हैं, 10.5 किलोमीटर बाकी है, आगे स्टेशन आ रहा है मुंडी कोटा। चलो तुम्हें बाय बाय करते हैं मैक्स अपना हॉन्किंग के साथ, 108 की रफ्तार पर डिसमिस करने वाला हूँ। इधर वो गाड़ी गई है 130 पे, इसको डिसमिस करके हम जा रहे हैं 109 की रफ्तार। चलो 9 तो हिट नहीं कर पाऊंगा, 108 पे तो चलो जा ही रहे हैं यार। इधर देखो प्लेटफॉर्म स्केप, ओहो गजब लेवल। अब आप देख सकते हो यहाँ पे इंग्लिश में तो लिखा होता मुंडी कोटा, वो आप पढ़ सकते हो, बट ऊपर का जो हिंदी में लिखा रहता है ना स्टेशनों का नाम, वो उस बोर्ड पे था ही नहीं, वो गायब हो रखा था, तो यार इस चीज़ को थोड़ा सा फिक्स होने की नीड है। बाकी सीनरी में तो यार पूरा ना गुरु कहते हैं, हाँ जो भी रूट मुझे दे दो तुम मैं पूरा ऑल आउट हो जाऊंगा उस पर। क्या बात है यार, कर पे क्या ही जा रही है अपनी ट्रेन, पीछे आप देख सकते हो गजब लेवल का गेम प्ले यार आज का भी।
सो गाइस चलो यहाँ पे थ्रॉटल पावर को डाउन करते हैं थोड़ा सा। आगे यार मेरी 90 की लिमिट आ रही है। और एक चीज़ और, इस वीडियो को ना मैंने एक बार पहले रिकॉर्ड कर लिया था, मैंने कमेंट्री भी करी थी, बट भाई मुझे मज़ा नहीं आया। अब ये सेकंड अटेम्प्ट चल रहा है, तो ये जो 90 का आगे लिमिट आ रही है ना, ये एक रेलवे ब्रिज की आ रही है। तो इस रेलवे ब्रिज पर देखना तुम्हारा क्या ही गजब लेवल का मैं एक्सपीरियंस करवाने वाला हूँ। अगर तुमको मज़ा नहीं आया तो तुम उस रेलवे ब्रिज पर उतर भी सकते हो, नीचे पानी होगा, मुझे नहीं पता तुम ठंड में कब से नहीं नहाए हो, तो नहा सकते हो वहाँ पर। तो भाई कोयला एक्सप्रेस तुम 110 हिट करने वाली हो और मैं तुम पे ध्यान दे रहा हूँ, टेंशन मत लो। थ्रॉटल पावर तुम्हारी हम यहाँ पे पूरी डाउन कर देते हैं, एक काम करते हैं। और आगे से आई थिंक गाइस कोई ट्रेन आ रही है तो हॉर्न बजाते हैं। अच्छा मालगाड़ी आ रही है यार, तो गाइस डबल वैग 9 है, BCN फ्रेट ट्रेन के साथ जा रहे हैं यार अच्छे खासे। इसके आप देख सकते हो जो गार्ड साहब है वो हमें भाई हरी झंडी दिखाते हुए, ये कैबूज यार अपने मोहसिन भाई ने बहुत सही बनाया था, इसमें आपको एक असली वाला एक्सपीरियंस मिल जाता है। और देखो आगे भाई अपना ब्रिज आ रखा है, तो उसके लिए यहाँ पे है 90 का कॉशन, तो हम यहाँ पे अपनी ब्रेक्स को अप्लाई कर देते हैं। कर पर अपनी ट्रेन क्या ही गजब तरीके से जा रही है। तो चलो भाई ट्रेन ने अपनी 90 की स्पीड मेंटेन कर ली है, तो चलते हैं अपने पैसेंजर व्यू में। अब भाई तुम ना अपनी ब्रिज साउंड एंजॉय करना, मैंने कुछ नहीं बोलना। तो चलो वापस से 130 की लिमिट मिल जाएगी, तो एक काम करते हैं 50% की थ्रॉटल पावर लगा देते हैं। और अपना जो ये आगे वाला सिग्नल है ये तो हो रखा है डबल एस्पेक्ट, तो एक अच्छे लोको पायलट को पता है कि अगर हाई स्पीड वाले सेक्शन में अपनी ट्रेन है और डबल एस्पेक्ट है तो उसके आगे का सिग्नल लाल तो नहीं होगा, तो वो अच्छी खासी स्पीड अपनी मेंटेन कर सकता है। और थोड़ा सा आगे जाके यार वापस से 70 की लिमिट आ जाएगी, उससे पहले हम अगर 100 हिट कर सकते हैं तो क्यों नहीं करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे 100 हिट। एक तो यार ये ना जंक्शन आ रहा है और जंक्शन पॉइंट पर तुम्हें भी पता है कि जो ट्रैफिक होगा वो बहुत ही अच्छा खासा होगा, तो ये जो मेरे FPS यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप हुआ था ना पीछे, वो उसी के लिए हुआ था। और भाई कुर्ला एक्सप्रेस ना रैम्पेज मोड पे है, आगे देख सकते हो कोई शायद मालगाड़ी आ रही है फिर से। और देखो 100 के ऊपर ट्रेन जा चुकी है, बट 70 का यहाँ पे लिमिट आ जाएगी, तो मैं स्पीड डाउन करता हूँ। अब तुम लोग तो भाई अपनी जो है एंजॉय करो इसको, जो भी है ये मालगाड़ी। मैं यहाँ पर ब्रेक्स को अप्लाई करता हूँ, और भाई इस बार मैंने रगड़ दिए पूरे अच्छे से ब्रेक्स, ऐसे वैसे भी नहीं भाई, सीधा ना सप्रेशन लगाया है। 70 का यहाँ पे देखो लिमिट थी, बट भाई ब्रेक्स गजब लेवल के लग गए हैं, 60 स्पीड हो चुकी है, 61 किलोमीटर पर आवर। आगे का अपना होम सिग्नल आ रहा है, उसको तो मैं अच्छी स्पीड पर क्रॉस कर सकता हूँ, बट यार जंक्शन पॉइंट है ना, तो देखो आगे की जो स्पीड है वो 30 km/h है, 11:13 का अराइवल, और एक गजब यार एक्शन बहुत ही सही हो गया। 10:57 डिपार्चर था तिरोड़ा से, 10:58:29 पर डिपार्ट किया, 11:13 का अराइवल है, 11:11 पर ट्रेन को मैंने आउटर पर लगा रखा है। वैप 4 भाई ऐसा वैसा लोगो थोड़ी है, कम समझ रहे हो क्या वैप 7 से। ये देखो ये वाला हॉर्न बजा के दूर से ही पैसेंजर्स को बता देगा वैप 4 कि भाई कुर्ला एक्सप्रेस आ रही है, बैठना है बैठो। तुम्हारे अगर रेल फैन हो ना और तुम ये सोच रहे हो कि कौन सी ट्रेन थी वो गोंडवाना अप्रोच कर रही है, भूल जाओ, आज SSCR का कंट्रोलर है अपना देवांश भाई, तो गजब लेवल की ट्रॉलिंग चलेगी। तो भाई वैप 4 थोड़ा सा और यार यहाँ पे ब्रेक्स लगाओ तुम। सो गाइस चलो 30 का कॉशन अब मेंटेन करते हैं यार। यार ये ICF गाड़ी है ये क्या है, मैंने इसको पैसे नहीं दिए हैं भाई, ये डांस कर रही है यहाँ पे। सो गाइस तुमसर रोड जंक्शन पर अपनी कुर्ला एक्सप्रेस का हो जाता है यहाँ पे आगमन,
ये देखो इसका यार स्टेशन बोर्ड काफ़ी अच्छा है, जिस तरह से उस पर वो हिंदी वाला भी हमें दिख पा रहा है और इंग्लिश वाला भी पूरा पढ़ पा रहे हैं हम। तो चलो चलते हैं अपने पैसेंजर व्यू में। वो तो यार ये जंक्शन है ना, तो इस वजह से मेरी यहाँ पे स्पीड डाउन हो गई, वरना 50 पे एंट्री तो मैं यहाँ पे भी कर सकता था। एंड गाइस आगे से कोई मालगाड़ी अप्रोच कर रही है। यार मालगाड़ियों को बड़े साथ में निकाल रहे हैं। अब यार SECR जोन में अपनी ट्रेन चल रही है, तो इस चीज़ पे ध्यान मत दो, तुम तो अपना ट्रैफिक एंजॉय करो। और भाई एक्शन देखो, उधर मालगाड़ी इधर मालगाड़ी, बीच में कुर्ला एक्सप्रेस को फंसा लिया इन लोगों ने। अरे पाइथन ट्रेन है यार ये तो, पाइथन ट्रेन गाइस क्रॉस कर रही है, वैक्सेवन लगा पड़ा यार पीछे वाली ट्रेन को। तो चलो यहाँ पे अपनी ट्रेन को अब रोक लेते हैं, हमारा पूरी ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पे फिट हो चुकी है। यहाँ पर ना इस रेलवे स्टेशन पर एक चीज़ तुम लोग नोटिस करना, ट्रेन रुक चुकी है, आगे का सिग्नल हमारा कौन सा होता है चलो बताओ कौन सा होता है, 5 सेकंड दे रहा हूँ बताओ तुम लोग, इतने क्रॉसिंग भी इंजॉय करो। चलो बता दिया मेन लाइन का स्टार्टर है, बट स्टार्टर देखो कहाँ पर दिया गया है, ये मालगाड़ी है इनके भी पीछे है, और अब लोको पायलट को कैसे पता चलेगा। अभी मैं लोको पायलट के पॉइंट ऑफ व्यू पे जा रहा हूँ, देखो किस एंगल से पता चल रहा है कि भाई वो सिग्नल हमें मिल चुका है। यार ये पता नहीं क्या यहाँ पे ना गड़बड़ी कर रखी है, स्टार्टर 300 मीटर की दूरी पे है, वो तो भाई अपना ओपन लेन से ना तो मुझे पता चल रहा है। वैसे गाइस अगर रियल लाइफ में ऐसा होगा तो पता नहीं यार कैसे लोको पायलट्स को पता चल पाता होगा कि उनकी ट्रेन को जो है स्टार्टर दे दिया गया है। शायद यार मुरादाबाद डिवीजन की तरह ना यहाँ पे अनाउंसमेंट होती होगी कि भाई इस ट्रेन के लोको पायलट अपनी गाड़ी को रवाना करवाओ, यहाँ पे बहुत टाइम से खड़ी हुई है। तो देखो अपने भाई ओपन लेस ने भी कह दिया पैसेंजर तुम्हारे बैठ चुके हैं, डिपार्ट कर जाओ अब तुम। तो वैफर तुम्हारे हमने यहाँ पे ब्रेक्स को रिलीज कर दिया। वैसे गाइस पहले ना पावर लगाता हूँ, मैंने ये चीज़ अभी ध्यान दिया कि जो टुमसर रोड जंक्शन है वो ना थोड़ा सा ग्रेडियंट पर है, और मैंने ब्रेक्स को यहाँ पर रिलीज कर दिया था। अगर ब्रेक्स पाइप से प्रेशर रिलीज हो जाता ना, मेरी ट्रेन ढलान पर थी और वो पीछे चली जाती। तो भाई वैफर इतना हॉर्न तो काफ़ी रहेगा यार, शायद सभी को पता चल गया होगा कि ट्रेन यहाँ से डिपार्ट करने वाली है। सो गाइस भंडारा रोड रेलवे स्टेशन हमारा दूसरा स्टॉप है, दूसरा नहीं यार तीसरा स्टॉप है, और यहाँ पर देखो क्या लग रही है यार ये मालगाड़ी, अपने हमजा भाई का ही मॉडल है। और फ्रेट ट्रेन तो आपको भी पता होगा, उनके जितने भी फ्रेट मॉडल्स होते हैं वो सब फ्री वेयर होते हैं। अच्छा यहाँ पर 30 की लिमिट है यार, मैंने अभी ट्रैक मॉनिटर पे ध्यान देना तब मुझे ध्यान में आया, वरना मैं अभी खींच देता भाई मेन लाइन से अभी ट्रेन को। और देखो पीछे अपनी कौन सी ट्रेन चल रही है, गोंडवाना सुपरफास्ट, उसका यहाँ पर होता है स्टॉप, तो हमारे बाद वो पीछे ही होगी, मुझे लग रहा है होम सिग्नल पर खड़ी होगी। आई थिंक 130 की गाड़ी है वो, 130 अपना मेंटेन कर रही होगी, बट भाई हमारे चक्कर में ना फंस गई है आज वो। अब यहाँ पे इतनी सारी मालगाड़ी खड़ी हुई है, दूसरे साइड के जो प्लेटफॉर्म है ना गाइस स्टेशन के वो ज़्यादा बड़े नहीं है, वरना कुर्ला को वहाँ पर लगा के उसे आगे कर सकते थे ये लोग। क्या बात है यार, वैसे गाइस एक चीज़ देखना अभी ये वाला यार तुम लोग ना कर्व एंजॉय करो। अच्छा ये देखो एल्को खड़े हैं एक मालगाड़ी पे, और दूसरी वाली मालगाड़ी पे वैक्सेवन लगा हुआ है। क्या बात है यार आज का भी एक्शन बहुत ही सही है। अच्छा ये देखो WDG 4D खड़े हैं। अच्छा सिंगल है क्या, नहीं दो हैं यार। और फाटक अपना बंद हो रखा है, रेलवे स्टेशन के बाहर वाले फाटक को ना भाई तुम लोग इग्नोर करो तो ही ज़्यादा बेटर है। वैसे गाइस एक चीज़ काफ़ी अच्छी हो जाती है हमारे गेम में, आप नोटिस करोगे कभी भी बड़े स्टेशन से जैसे ट्रेन निकलती है ना, तो बहुत लोगों के जो पैसेंजर्स होते हैं जो साथ में होते हैं वो कभी कभी छूट जाते हैं, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं चेन पुलिंग के, ये अपने गेम में नहीं होता। वैसे करना चाहूँ तो वो मैं अभी भी करवा सकता हूँ, बट आज की वीडियो में वो रहने देते हैं,
आने वाली वीडियो में तुम लोगों को मैं चेन पुलिंग एक्शन भी दिखाता हूँ। फिर क्या लग रहा है यार, ये स्टेशन ट्रैक्स इतने सारे हैं और पूरा ओएचई वायर का यहाँ पे मेला हो रखा है, और ओएचई पोल का भी। यहाँ देखो इतने सारे हैं कि वो ट्रैक पर भी आ रखा है। इन चीज़ों को थोड़ा सा फिक्स होने की नीड है यार अभी भी। बाकी नो डाउट सीनरी वर्क तो क्या ही कर रखा है इस रूट में। और 30 की लिमिट है भाई, ट्रेन अपनी थोड़ी सी यहाँ पे हाई स्पीड कर रही है, हाई स्पीड मतलब ओवर स्पीडिंग यहाँ पे करने वाली है। यार 130 का बोर्ड कहाँ गया, क्या बात है, बड़ी सही ब्रेकिंग कर दी यार यहाँ पे। 30.0 हुई थी स्पीड और तभी मैंने ब्रेक्स को अप्लाई कर दिया। अच्छा ये आप देख सकते हो हमारा 130 का यहाँ से बोर्ड शुरू हो जाता है। तो यार चलो अब तो मैं ट्रेन को पुल कर ही सकता हूँ, तो वेपर चलो ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। सो गाइस बाय बाय करते हैं तुमसर रोड जंक्शन को, तुम पीछे चले जा चुके हो, हम तुम्हें अब बाय बाय करेंगे और हम जा रहे हैं आगे कहाँ पर, भंडारा रोड रेलवे स्टेशन की तरफ। तो चलो भाई थ्रॉटल पावर 75 लगाएंगे, एक हॉर्न बजाएंगे कि आगे अपना सेक्शन। तो वैसे मुझे पूरा क्लियर दिख रहा है, कोई भी लोग वगैरह नहीं है। गेम में यही अच्छी बात होती है एलपी के लिए, ये चीज़ आसान हो जाती है कि उन्हें जो हॉर्न बजाना है वो ज़्यादातर तभी बजाना है जब ट्रेन स्टेशन से निकल रही है या फिर फाटक को क्रॉस कर रही है। बाकी भाई असली ज़िंदगी में तो उन्हें कहाँ हॉर्न नहीं बजाना पड़ता, कब कोई सामने आ जाए कुछ नहीं पता। अच्छा ये वाली सीनरी काफ़ी प्यारी लगी यार मेरे को। अरे यार मैं पीछे पैसेंजर व्यू पे चला जाता ना, पैसेंजर बन के ट्रैवल करता हूँ, तो अब देखो फाटक का मुझे पता नहीं चला। मैंने हॉर्न बजाया बट मैं जब ट्रेन वहाँ से निकल चुकी थी तब बजाया मैंने, तो इसलिए यार वेफर तुम ना हॉर्न करके चलते रहो। 80 की स्पीड तो तुमने मेंटेन कर ही लिया, और इतनी स्पीड पे जाके तो थोड़ी बहुत हॉकिंग जो है अपना वेफर कर ही देता है। अरे यार ट्रैक मॉनिटर में देखो रेड एंड येलो सिग्नल अपने को दिखाया जा रहा है, अब ये क्यों है भाई। गोंडवानों को मुझे लग रहा है जितना ट्रॉल करना था ना तुमने उतना कर चुके हो, तुमको गोंडिया से पहले निकलवा दिया वही बड़ी बात थी, और किसी स्टेशन पर गाइस ओवरटेक हो नहीं सकता था, बट अब जाके भाई मुझे लग रहा है उसने बाजी मान ली अपनी। कह रही है 2 मिनट में तुमसर पर रुकूंगी तो सही, बट वहाँ से जब 130 पर निकलूंगी तो तुम्हें पकड़ ही लूँगी। तो भाई वही सीन होने वाला है मुझे लग रहा है, आगे देखो ट्रैक चेंज भी अपना हो रखा है। तो चलो यहाँ पर ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ाएंगे, मतलब 100 तो चलो जान ही देते हैं ट्रेन को, वैसे भी इसकी डिसरिस्पेक्ट यहाँ पे होने वाली है। डिसरिस्पेक्ट भी क्या यार, ओवरटेक होने में कोई बुराई थोड़ी है, ओवरटेक होना तो अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ मेरी ट्रेन को जितने ओवरटेक देने दे दो, यहाँ पे ट्रेन पूरी लेट कर दो, फिर मैं कह सकता हूँ कि मेरी ट्रेन जो है SECR में चल रही थी भाई, क्योंकि लेट हो चुकी है ना। अच्छा सामने से गाड़ी आ जाती है 12:01 LTT से शालीमार के लिए जाने वाली ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस, ये भी काफ़ी अच्छी गाड़ी थी यार। सो गाइस ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस को हम यहाँ पर क्रॉस कर चुके हैं। आई थिंक ये तुमसर पे नहीं रुकती है, सीधा आई थिंक नागपुर से निकलती है और डायरेक्ट गोंडिया पे रुकती है। और भाई देखो यहाँ पे अब मेरे सिग्नल्स जो हैं थोड़े येलो होते जा रहे हैं, ट्रैक चेंज करना है तो फिर मुझे थोड़ी ना स्पीड यहाँ पे डाउन करनी पड़ेगी। चाहूँ तो मैं अभी भी इज्जत नगर मंडल की तरह ही चला सकता हूँ। सीरियसली यार इज्जत नगर मंडल के जो क्रू है ना वो अलग लेवल पर चलाता है अपनी गाड़ियों को, भले अपने पास स्पीड नहीं हो पर रैश ड्राइविंग पूरी अच्छी तरीके से मिलेगी तुम सभी को। तो चलो यहाँ पे ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, ट्रेन को तो अप्लाई नहीं करूँगा, लोकोमोटिव के ही अप्लाई कर देते हैं। ट्रेन के अप्लाई कर दिए तो यार हद से ज़्यादा स्पीड डाउन हो जाती है। इधर आकर देखते हैं सिग्नल पे भी थोड़ा ध्यान देंगे। ये देखो ये भी जल बुझ रहा है भाई, जुगनू हो रखे हैं, मुझे लग रहा है इन सिग्नल के अंदर ना LED लाइट नहीं है, LED लाइट्स के साथ जुगनू है। तो चलो ब्रेक्स अप्लाई करने दो पहले मेरे को, ट्रेन को अब स्लो करते हैं। 70 की स्पीड पे मैं आउटर पे एंट्री मार रहा हूँ। तो चलो यार यहाँ पर हमारा होम सिग्नल को क्रॉस करते हैं, जो कि हमें बताता है कि देखो तुम्हारी गाड़ी को ना लूप लाइन पे लगवाया गया है, तो चुपचाप से अपनी स्पीड को डाउन कर लो। अच्छा स्पीड तो मेरी ऑलरेडी डाउन हो गई है यार, तो मैं ब्रेक्स को अप्लाई क्यों कर रहा हूँ। सो गाइस आगे जो रेलवे स्टेशन आ रखा है, मुझे लग रहा है ये पंजाबी का थोड़ा सा फेमस रेलवे स्टेशन होगा, फेमस नहीं उनको अच्छा लगता होगा, जो नाम इसको दिया गया है कोका इसका नाम है। तो कोका रेलवे स्टेशन पर भाई एंट्री करती है अपनी कुरला एक्सप्रेस, और यहाँ पर फाटक हमें देखने के लिए मिल जाता है जिस पर कोई भी नहीं खड़ा हुआ है, और ट्रेन में तुम पर नज़र दे रहा था, तुम 30 के ना ऊपर जा रहे थे, 30 के अंदर में रहना अब तुम। सो गाइस 180 30 को ET वेफर, काफ़ी टाइम से तुम अपनी भाई मस्ती कर रहे थे,
बट फाइनली क्या कह सकते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है गोंडवाना यहाँ पे अपनी बाजी मारने के लिए आने वाली है। जैसी लूप लाइन से हटेंगे तभी पता चलेगा। वैसे एक चीज़ अच्छी है, ओवरटेक देखो फ्लैट 130 पे होगा भाई। जैसा मैंने बताया इस रूट में वो 120 वाला ग्लिच नहीं है। सुगा एक काम करते हैं, कैब व्यू में चलते हैं। कैब व्यू से क्या है ना, मैं थोड़ा आसानी से जो है ब्रेक लगा सकता हूँ सिग्नल के पास जाके। और एक चीज़ आप बहुत बढ़िया नोटिस करोगे इस कैब व्यू में, एक तो जितने भी मतलब पार्ट्स हैं ज़्यादातर आप वर्किंग में देखोगे। मैंने थ्रॉटल पावर क्या लगा रखी है, चलो वो तो ज़ीरो है। और देखो जो ब्रेक वाली निडल होती है ना, जो हमें बताती है आपके ब्रेक पाइप में कितना प्रेशर है, वो ठीक है भाई ब्रेक लगा लो, सिग्नल मत तोड़ना यार प्लीज़ वैप फोर। अब ये देखो ट्रेन को मैंने क्या सही तरीके से यहाँ पे ब्रेक्स लगा दिए। अच्छा वो ठीक है, थोड़ा सा और आगे करता हूँ यार पहले तो ट्रेन को। अभी यार यहाँ पे ना मेरे को थोड़ा सा डर लगा, तब मैंने क्या अप्लाई किए, ट्रेन ब्रेक्स। तो जो ट्रेन ब्रेक्स हैं वो थोड़ा ऐसी जगहों पर काम में आते हैं। तो भाई पैसेंजर लोगों को बताते कि उनकी जो ट्रेन है ना वो थोड़ी सी आगे बढ़ने वाली है। जो सिग्नल है उससे 13 मीटर का डिस्टेंस तो मैंने मेंटेन कर लिया, बट क्या है ना मैं थोड़ा खुराफाती हूँ तो थोड़ा सा और क्लोज में जाके रोकूंगा ट्रेन को। अच्छा इस वैप फोर में आपको जैसे पावर बढ़ा रहे हो ना तो उसकी भी साउंड सुनाई देती है, वो टिक टिक जो साउंड है। चलो 8 मीटर की भाई दूरी मेंटेन करते हैं सिग्नल से। और मेन लाइन का तुम देख सकते हो जो सिग्नल है, मेन लाइन का जो स्टार्टर है वो रखा है ग्रीन। तो चलो ट्रेन आने वाली है, आगे से यार कोई ट्रेन भी अप्रोच कर रही है, क्या बात है। कोका पे मतलब ट्रैफिक तुम्हें देखने के लिए मिल रहा है। 12129 पुणे से हावड़ा के लिए जाने वाली आज़ाद हिंद सुपरफास्ट एक्सप्रेस। आज़ाद तुम आज़ाद रहो, क्या बात है यार, गाज़ियाबाद शहर का वैप फोर। और गाइज आईसीएफ गाड़ी है, देख रहे हो फ्लैट 110 कर रहे है भाई वैप फोर। तो आज़ाद हिंद के फैन भाई कमेंट सेक्शन में बताओ ये क्रॉसिंग तुम सभी को कैसी लगी। अच्छा ये देखो मेन लाइन का जो स्टार्टर है ना उसकी जो लाइट है वही गायब हो चुकी है। ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल किसने नहीं भरा है, खींचो तुमने मेरे गेम में लाइट भगा दी। ये देखो वापस आ गई यार, इसको ना ग्रीन ही रहने दो। पता चला पीछे से जो भी ट्रेन आ रही है उसके लोगो पैलेट को दिखा यार, सिग्नल में खराबी हो रही है, पीछे वाले सिग्नल तुमने सही कर रखे हैं। फिर वही है इमरजेंसी ब्रेक सप्लाई करेगा वो। पीछे चल के देखते हैं यार, कोई ट्रेन तो मुझे अभी तक दिख नहीं रही है, पता नहीं कब तक आएगी। चलो आई जाएगी यार, थोड़ा सा वेट करते हैं। इतना शानदार यहाँ पे वेदर हो रहा है यार, इस वेदर पे भी ना मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी है। मेरी लास्ट आई थिंक 2-3 जो वीडियो है वो इसी वेदर पे बनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मुझे वेदर भी चेंज करना है। ऐसे क्या रहता है अगर मैं हर वीडियो में आपको थोड़ा डिफरेंट वेदर दिखाऊंगा तो आपको भी लगेगा कि हाँ यार अलग अलग दिन पे अपनी जो है ट्रेन चली है। और देखो पीछे से इसी बात पे गाड़ी आ चुकी है, 12409 रायगढ़ से निजामुद्दीन के लिए जाने वाली गोंडवाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अब मैं शांत रहूंगा, ओवरटेक एंजॉय करो। मैसी को तुम जैसा ओवरटेक कर रहे हो ना मुझे शांत भी नहीं रहने दोगे तुम। 130 फ्लैट है भाई, ट्रैक की तरफ देख लो। सोचो ये रियल लाइफ की अभी मतलब सिनेरियो हो जाता, 130 पे गजब लेवल का एक्सपीरियंस होता यार ये। एक तो मेरी ट्रेन ना थोड़े से ग्रेडियंट के ऊपर खड़ी है तो जो प्रोजेक्टेड है उसको अलग ही झटके पड़ रहे हैं। देखो 0.1 हो रहा है, 0.0 हो रहा है, वो बढ़ रहा है घट रहा है। यही अगर मैं ट्रेन ब्रेक्स को अभी अप्लाई कर दूंगा तो वो सही हो जाएगा। तो चलो यार वैप फोर के कैब में अब आ चुके हैं और देखता हूँ मेरे ब्रेक्स तो प्रॉपरली काम कर रहे हैं। वैसे तो बोर घाट में अभी, वैसे यार घाट सेक्शन में नहीं चला रही हो ट्रेन, जो तो मैं ब्रेक टेस्ट करने हैं। वैसे गाइस घाट में चले या नहीं चले, ट्रेन जब भी चलती है उससे पहले उसके ब्रेक टेस्टिंग करे ही जाते हैं। अच्छा ये आप देख सकते हो जैसे जैसे मैं लोको के ब्रेक्स को रिलीज़ कर रहा हूँ ना तो जो मेरी निडल है ब्रेक प्रेशर वाली वो डाउन पे होती जा रही है। ये देखो ज़ीरो पे हो चुकी है। वैसे करेंगे नहीं, ग्रेडियंट पे खड़ी है भाई ट्रेन, पीछे भाग जानी है। अच्छा यहाँ पे स्टार्टर मिल गया लूप लाइन का, बट इसके आगे वाला जो एडवांस स्टार्टर है ना वो ग्रीन हो रखा है, ग्रीन नहीं रेड हो रखा है। तुम भी ना यार पता नहीं क्या पी के अपनी ट्रेन चला रहे हो। तो गाइस क्या कहते हो, डिपार्ट करें क्या, 130 पे वो जा ही रही है यार। भंडारा रोड पे उसका स्टॉप है, मेरा भंडारा रोड पे स्टॉप है, 7.5 किलोमीटर बाकी था, मुझे जाने देते पहले उसके बाद ओवरटेक करा लेते। चलो कोई नहीं यार, थोड़ा सा एक्शन भी हमें यहाँ पे देखने मिल गया, और क्या कर सकते हैं, बुराई क्यों करनी है। 25 गाइस मैं ना आज ट्रेन को मज़े में खींच रहा हूँ भाई। थ्रॉटल पावर पहले लगा देता हूँ, हॉर्न बाद में बजाता हूँ। और अब बजाया है तो पूरा अच्छे से ही बजाया है कि मुझे दूसरा बजाने की नीड ही नहीं है।
तो चलो अपने पैसेंजर व्यू में आते हैं। और वैफोर ले यार, 50% की थ्रॉटल पावर ले ले तो। सो गाइस 22% की थ्रॉटल पावर करते हैं, ज़्यादा भी नहीं लगाएंगे यार। अभी देखो लूप लाइन से मेन लाइन टच करनी है ना हमें, और 30 का यहाँ पे लिमिट है। सो गाइस एकदम नीट एंड क्लीन कोका रेलवे स्टेशन को यहाँ पर हम पीछे करते हुए हल्के हल्के यार यहाँ पे अपनी स्पीड बढ़ती जा रही है। ये मेरा कौन सा कोच है? AC 2 टीयर। AC में मत जाना भाई, ठंड अभी भी हो रखी है। बाहर में अभी था ना इतना गंदा वाला फॉग हो रखा था। अब तो तुम वो मीम भी चला सकते हो कि क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, क्योंकि एक्चुअली में चल रहा है यार। तो चल, कोका रेलवे स्टेशन से अपनी ट्रेन आ चुकी है बाहर, बस मेन लाइन को टच करना अभी भी बाकी है। अच्छा ऑपोजिट लाइन की मेन लाइन ग्रीन हो रखी है यार। तो वैफोर मुझे पता है जैसे अपनी ट्रेन मेन लाइन पे आएगी तूने भाई 130 की लिमिट मिल जानी है तुझे। तो मैं थ्रॉटल पावर यार थोड़ी सी और डाउन ही करता हूँ, 130 मिलने ही दो तभी बढ़ाएंगे। तो चलो यार 130 की लिमिट यहाँ पे मिल चुकी है, 50% की थ्रॉटल पावर लगाएंगे। तुम्हें पता है भंडारा रोड पर गोंडवाना जाके रुकेगी, आउटर पर जाके यार उसने स्लो होना है तो एंट्री वो तो ऐसे ही करेगी। इज्जत नगर मंडल का क्रियो हर एक को नसीब नहीं होता है। तो ये जो आई थिंक सिग्नल है ना जो अभी मेरा रेड हो रखा है, ये शायद प्री वार्नर है भंडारा रोड का। अच्छा एक चीज़ देखो आप, कोका के आउटर में ना ये वाली लाइन भी है, ये लाइन मालगाड़ियों के लिए है और जिस पर हम थे वो मेल एक्सप्रेस सुपरफास्ट के लिए थी। ये लाइन थोड़ी बड़ी है तो यहाँ पर मालगाड़ियों को रुकवा लिया जाता है। अच्छा इधर आओगे तो 12949 पोरबंदर से सांतरागाछी के लिए जाने वाली कवि गुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस, देख रहे हो यार सही लेके जा रहा है वाईफाई। ये देखो मेरे 4 किलोमीटर पे जो सिग्नल था ना वो रेड एंड येलो हो गया, मैंने कंफर्म पहले ही बता दिया था कि वो मेरा प्री वार्नर होगा। तो भाई अब मैं ज़्यादा स्पीड में नहीं जाऊँगा, अपनी थ्रॉटल पावर को मैं 31% पे ही लगा के छोड़ूंगा। अपनी ट्रेन को अब ऐसे ही क्रॉल करवा कर लेके जाएंगे, क्योंकि यार मेरा मन नहीं है कि मैं भंडारा रोड पर अप्रोच करूं और वहां पर ना होम सिग्नल के लिए बैठा रह जाऊं। मुझे नहीं पता तुम लोगों ने रेलवे स्टेशन से कुछ खरीदा होगा खाने के लिए, नहीं खरीदा होगा। क्या बात है यार, ट्रैक साउंड हो रही है खटाखट वाली। और देखो कर्फ पे ट्रेन जा चुकी है तो क्या ही प्यारा यहाँ पे सीन हो रखा है। भाई कुरला एक्सप्रेस मान जा यार, ऐसी खटाखट मत कर। ये पता है जब ये ट्रैक साउंड होती है ना मेरा मन करता है मैं चिल्ला के बोलूं जो भी ट्रेन है तोड़ दे आज तो तू सारी ट्रैक्स को तोड़ दे। ये देखो भाई ऐसे खटाखट होती है ना, और वैसे ऐसा हो भी जाता है विंटर के टाइम में, आप बहुत ये फेस कर सकते हो। आपको तो वैसे खैर रेलवेज ही फेस करता है इस चीज़ों को। जो नॉर्थ साइड में ट्रैक्स होती हैं वो कहीं कहीं पर ना चटक जाती हैं ठंड की वजह से। अभी रिसेंटली ये सीन शायद पीलीभीत की तरफ या बरेली की साइड हो गया था, और जहाँ पर वो ट्रैक जो है चटक गया था उसके ऊपर से ट्रेन भी गुजर गई थी। वो ये अच्छी बात है कि कुछ हुआ नहीं था। अब देखो मैं इतनी प्यारी स्पीड पे अपनी ट्रेन के साथ क्रूज कर रहा हूँ ना, मुझे आई थिंक ऐसा लग रहा है कि मैं आउटर पे पहुँचूंगा नहीं भंडारा के, और मुझे होम सिग्नल मिल जाएगा। देखो यार अच्छी खासी मेरी ट्रेन यहाँ पर टाइम से चल रही थी, पर लेट कर दिया इन लोगों ने। 11:15 का मेरा डिपार्चर दिया था तुमसर से, उसी टाइम के अराउंड मैंने किया है 11:15:27, और फिर भंडारा का 11:29 का अराइवल था, बट अभी कितना हो रहा है 11:37। लेट हो जाएगी ट्रेन अपनी, ऑन टाइम ट्रेन तुमने 10-15 मिनट लेट करवाई है, ओवरटेक के बाद ये सीन हो जाता है। अच्छा क्या बात है, यहाँ पे ब्रिज देख रहे हो क्या शानदार लग रहा है। ओहो गजब लेवल, ट्रैक साउंड, ब्रिज साउंड, और ये वैफोर का हॉर्न। चलो वो ठीक है भाई, पूरी थ्रॉटल पावर को चलो डाउन करते हैं यहाँ पे। यार ऐसा मत करना प्लीज़ कि मुझे होम सिग्नल पे रुकना पड़ जाए। अच्छा यहाँ देखो यहाँ पे ब्रिक्स के ना बड़े सारे ब्रिक्स हैं यार यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे वही बनाए जा रहे हैं। आज का गेम प्ले है गाइस, बड़ी स्क्रीन पे देखो यार क्या ही शानदार लग रहा है यहाँ पे सीन। जो अपनी अभी हाइट है ना वो अपनी ग्राउंड हाइट से तो ऊपर ही है, तो जो बाकी का पीछे का जितना भी एरिया है वो थोड़ा नीचे साइड पर है। ऐसी लोकेशन काफ़ी प्यारी लगती है जब तुम ट्रेन में बैठे हो और सब चीज़ें नीचे दिख रही हैं। आगे से कौन सी ट्रेन आ रही है? सो
सो गाइस आगे से अप्रोच कर रही है 18238 अमृतसर से बिलासपुर जाने वाली CGFP छत्तीसगढ़ फास्ट पैसेंजर। नहीं यार मजाक कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस गाइस ये ट्रेन है, VAP 7 के साथ जा रही है। और ये देखो जो गोंडवाना थी उसने अपना डिपार्चर ले लिया है भंडारा रोड रेलवे स्टेशन से। आउटर पे इतनी सही अपनी क्रॉसिंग हो गई 18238 के साथ। बाय बाय छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस या फास्ट पैसेंजर। चलो क्रॉल करते करते एंट्री कर देते हैं फिर, और क्या है अब यहाँ पे स्पीड बढ़ाने का तो कोई फायदा है नहीं। सो गाइस फाइनल लेग ऑफ द जर्नी है ये अपने वीडियो की। बताओ यार सभी को एक्शन कैसा लगा? अच्छा यहाँ पे 80 की लिमिट हो रखी है, आई थिंक ये जो 80 का बोर्ड था वो परमानेंट है यहाँ पे। एक तो एक कर्व है और आगे भंडारा रोड ये स्टेशन है ना, मे भी शायद बड़ा होगा, बड़ा नहीं स्टेशन शायद छोटा ही है यार, तो यहाँ पे ये 80 की लिमिट क्या सिर्फ कर्व के लिए लगाई होगी? हो भी सकता है गाइस, क्योंकि देखो हाइट पर भी है अपनी जो अभी ट्रेन है। क्या बात है यार, तो चलो ट्रैक साइड पे आते हैं, अब ट्रैक साइड की सीनरी देखते हैं और देखते हैं कि कौन सी ट्रेन अपने को अब क्रॉस करने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई मालगाड़ी आएगी, तब से बहुत ज़्यादा जो है एक्सप्रेस ट्रेन हमको क्रॉस कर चुके हैं इस सेक्शन पे। तो यार इनका ना मेल एक्सप्रेस सुपरफास्ट इसका भी ट्रैफिक बहुत अच्छा खासा है। मैं देख रहा था जब इस ट्रेन की क्रॉसिंग्स, तो हर रेलवे स्टेशन पर या सिर्फ दो स्टेशन छोड़ दो उसके बाद कोई ना कोई मेल एक्सप्रेस तो थी क्रॉसिंग पर। 8-8, 15-15 घंटा यार ट्रेनें लेट चल रही हैं SECR में। तो चलो भंडारा रोड पे जो अपना प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म की लाइन यार मेन लाइन पे नहीं है, जो मतलब प्लेटफॉर्म है वो मेन लाइन पर नहीं है, तो हमें यहाँ पे लूप लाइन पर जाना पड़ेगा जिसकी स्पीड लिमिट तुम्हें पता है। हमको यहाँ पे 30 km/h दे दी जाएगी। अच्छा ये क्या है यार, कोई मालगाड़ी है गाइस? यार ये WDM 3D थे यार, 3A थे, बड़ी शांति से लेके जा रहे हैं इस मालगाड़ी को। मुझे लग रहा है उन्होंने ना जो अपना नॉच था वो पूरा जीरो कर रखा है। होगा भाई कोई LP अपना मज़े ले रहा होगा कि पूरा आराम से लेके जाते हैं आगे, फास्ट पैसेंजर चल रही है, पता नहीं कब रुकेगी कहाँ रुकेगी, ओवरटेक करने का नसीब भी हो सकता है इनका। तो चलो VAP 4 के कैब में चल के देखते हैं यार, फाइनल लेग ऑफ द जर्नी है तो इसको भी थोड़ा तुम लोग इन्जॉय कर लो। भंडारा रोड के वासियों को बताते हैं कि भाई उनकी कुर्ला एक्सप्रेस जो है अराइव कर चुकी है, तो जिसे बैठना हो वो बैठ सकता है, गाड़ी इसके आगे तो जाएगी नहीं क्योंकि यार ऑलमोस्ट 1 घंटे से ऊपर हो चुका है मेरी वीडियो को, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम 1 घंटे के ऊपर गई है यार मेरी वीडियो शायद। तो ये ट्रिम वगैरह होने के बाद, एडिट वगैरह होने के बाद डेफिनेटली 50 से 55 मिनट की तो बनी जाएगी। पीछे का देखते हैं, ट्रेन अपनी अभी मेन लाइन से हटी रही है। आज की जो यार ये जर्नी है ना, मुझे लग रहा है अगर तुम लोग इसको रात में देखोगे तब तो तुम लोग सोने वाले हो देखते देखते। ET VAP 4 2294 नो डाउट यार तू बहुत सही लोग है एक्सपीरियंस गए जो मिला यार अपने को, और ऐसे हॉर्न्स थे, इतना शानदार इसकी हॉकिंग रही ना, हाई स्पीड पर भी और अराइवल डिपार्चर वाले भी। सबसे बेस्ट तो भाई बेल थी। तुम बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में तुमको कौन सा वाला हॉर्न सबसे प्यारा लगा। तो भाई ट्रेन को रोकने के लिए अब यहाँ पे रेडी रहते हैं, थोड़ा सा पीछे देखते हैं। ओ भाई ट्रेन अपनी पूरी हो चुकी है फिट, तो अभी मैं यहाँ पर इसको कर सकता हूँ स्टॉप। तो चलो ट्रेन को अब यहाँ पर रोक लेते हैं। VAP 4 यार एंडिंग पॉइंट में बड़ी सही ब्रेकिंग साउंड कर दिया तूने, 20 सेकंड का स्टॉप मिला है सिर्फ, इतनी कंजूसी। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप तुम सभी ने एंजॉय किया, और एंजॉय किया तो लाइक कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहोगे, मैं ट्राई करूंगा वो बना पाऊँ। तो भाई देखो मेरा डिपार्चर का टाइम यहाँ पे हो चुका था, इसी बीच 20862 अहमदाबाद से पुरी के लिए जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस यहाँ पर अराइव कर देती है भंडारा रोड पर। तो कह सकते हैं कि भाई वीडियो के एंडिंग पॉइंट पर बिना अपनी एक्टिविटी मान नहीं रही है। इसका यहाँ पर स्टॉप रहता है तो इसका तुम स्टॉप देख सकते हो। इसके बाद चलते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। सो स्टे सेफ, अपना ख्याल रखो, कीप वॉचिंग माई वीडियोस, मेरी वीडियोस देखते रहो। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ। अब मैं आप सभी से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओ भाई 20862 रोक दे यार, अब क्या कहाँ घर लेके जाएगा क्या ट्रेन को? वैसे यार लंबे डिस्टेंस की गाड़ी है, अभी भी इसको पूरी जाना है, बहुत सारी जर्नी बाकी है यार इसकी, लॉन्ग डिस्टेंस वाली गाड़ी है ये। तो चलो अब बाय बाय करते हैं और मिलते हैं तुम सभी से अगली वीडियो में।